वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर फ्रेंड्स, आज वीडियो लेके आया हूँ जो वीडियो है आज बायोलॉजी एमसीक्यूज। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं बीएससी नर्सिंग और नीट एग्जाम्स के प्रिपरेशंस के लिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन था फ्रेंड्स, इफ़ बर्थ एंड डेथ रेट्स वेल इक्वल ए जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वुड रिजल्ट इट इज़ नॉन एज। ऑप्शन नंबर ए रिप्लेसमेंट लेवल, रेट ऑफ नेचर इंक्रीज, सी स्टेबल पॉपुलेशन एंड डी डबलिंग टाइम। करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, आंसर नंबर सी स्टेबल पॉपुलेशन करेक्ट आंसर। एंड इन द लॉन्ग टर्म्स जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ कैन बी अचीव्ड व्हेन द बर्थ रेट ऑफ अ पॉपुलेशन इक्वल्स द डेथ रेट, आई एग्जांपल फर्टिलिटी इज एट रिप्लेसमेंट लेवल एंड बर्थ एंड डेथ रेट्स आर स्टेबल, ए कंडीशन आल्सो कॉल्ड डेमोग्राफिक इक्विलिब्रियम। सेकेंड क्वेश्चन, मेनस्ट्रुएशन साइकिल ऑकर्स ऑप्शन नंबर ए इन ऑल मैमल्स, बी इन यूथेरियन एनिमल्स एंड सी इन मेथाथेरियन एनिमल्स एंड डी इन ऑल प्राइमेट्स। करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, इन ऑल प्राइमेट्स एंड द मैमल्स अदर देन प्राइमेट्स सो ओस्ट्रोस साइकिल, वाइल प्राइमेट्स ओनली सो मेनस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूट्रोफिकेशन इज कॉज्ड बाय ऑप्शन नंबर ए फॉस्फेट रॉक्स ओनली, बी एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स ओनली, सी सीवेज एंड फॉस्फेट रॉक्स एंड डी सीवेज एंड एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स। एंड करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, सीवेज एंड एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ओवरी इज फाउंड इन द लिलिएसी फैमिली, ऑप्शन नंबर ए सुपेरियर एंड मोनो कार्पेलरी, बी सुपेरियर एंड ट्री कार्पेलरी एंड सी इन्फेरियर एंड मोनो कार्पेलरी एंड डी इन्फेरियर एंड बाई कार्पेलरी। एंड करेक्ट आंसर नंबर बी सुपेरियर एंड ट्री कार्पेलरी एंड सुपेरियर एंड ओवरी अटैच टू द रिसेप्टेकल अबव द अटैचमेंट ऑफ अदर फ्लोरल पार्ट्स इज टर्म्ड सुपेरियर एंड ट्री कार्पेलरी हैविंग थ्री कार्पल्स टाइप ऑफ ओवरी इज फाउंड इन द लिलिएसी फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सोमा क्लोनल वेरिएशन appears in plants, option number a growing in polluted soil or water, b exposed to gamma rays, c raised in tissue culture and d transformed by recombinant dna technology. Correct answer number c raised in tissue culture and somaclonal variation is the variation seen in plants that have been produced by plant tissue culture. Soma clonal variation is not restricted to but it is particularly common in plants regenerated from callus. The variation can be genotypic or phenotypic, which in the latter case can be either genetic or epigenetic in origin. Next questions, in honeybees the drones are produced from option number a unfertilized eggs, b fertilized eggs, c larva fed by royal jelly and d fasting larvae. Correct answer is a unfertilized egg. The queen lays two types of eggs, fertilized and unfertilized eggs. From unfertilized eggs, male bees emerge, which are known as drones, while the fertilized eggs produce females. Next question, active transport of iron by the cell requires option number A high temperature, B ATP, C alkaline pH and D salt.
करेक्ट आंसर इज एटीपी। ड्यूरिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस द एनर्जी इज यूजुअली प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ बाय एटीपी और बाय द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स ऑफ आयंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काइंड ऑफ एपिथेलियम विच फॉर्म्स द इनर वॉल्स ब्लड वेसल्स इज। ऑप्शन नंबर ए क्यूबॉइडल एपिथेलियम, बी ए कॉलमनर एपिथेलियम, सी सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम एंड डी ए स्क्वेमस एपिथेलियम। करेक्ट आंसर इज स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम इज मेड ऑफ अ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल विथ इरेगुलर बाउंड्रीज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेवमेंट्स एपिथेलियम। इट इज फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स एंड इन्वॉल्व इन फंक्शंस लाइक फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री। इट इज ऑल्सो फाउंडेड इन डिसेंडिंग लिम्स ऑफ लूब्स ऑफ हैनले मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ कोलोमिक कैविटीज एंड रेट टेस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ऑप्शन नंबर ए ड्रोसेरा, बी नेपथेंसेस, सी मोनोट्रोपा एंड डी यूट्रिकुलेरिया। करेक्ट आंसर मोनोट्रोपा। मोनोट्रोपा इज अ सेप्रोफाइटिक प्लांट्स वेयर्स Nepenthes, Sarracenia, Drosera, Dionaea and Utricularia are insectivorous plant. Next questions, pregnancy wings with implantation of option number A embryo, B fertilized ovum, C blastopore and D blastocyst. करेक्ट आंसर ब्लास्टोसिस्ट। द ब्लास्टोसिस्ट इज अ स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन द अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ मैमल्स। इट प्रोसेस्ड एन इनर सेल मास दैट सबसिक्वेंटली फॉर्म्स द एम्ब्रियो। द आउटर लेयर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट कंसिस्ट ऑफ सेल कलेक्टिवली कॉल्ड द ट्रोफोब्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी ए इज इन्वॉल्व इन। ऑप्शन नंबर ए डोरमेंसी ऑफ सीड्स, बी रूट एलोंगेशन, सी शूट एलोंगेशन एंड डी इंक्रीज्ड सेल डिवीजन। करेक्ट आंसर डोरमेंसी ऑफ सीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्सिटोनिन। ऑप्शन नंबर ए lowers calcium level in blood, elevates calcium level in blood, has no effect on calcium levels and D elevates potassium level in blood. Correct answer number A lowers calcium level in blood. It is long peptide hormone secreted by parafollicular cell of the thyroid gland. Its secretion is regulated by an increased plasma level of calcium by the feedback mechanism TCT, lower calcium level in the blood to normally by increased calcium deposition in the bones. So checks osteoporosis, it prevents hypercalcemia. Next questions, pollination that occurs in closed flower is known as. Option number A allogamy, cleistogamy, decliny and D protogyny. Correct answer is option number B cleistogamy. Cleisto closed gamous marriage, self fertilization that occurs within a permanently closed flower. Next questions, cork cambium is developed from option number A apical
मेरी स्टेम, बी इंटर कैलरी मेरी स्टेम, सी प्राइमिटिव मेरी स्टेम एंड डी लेटरल मेरी स्टेम। एंड करेक्ट आंसर नंबर डी लेटरल मेरी स्टेम। कॉर्क कैम्बियम फेलोजेन इज एन आउटर मोस्ट लेटरल मेरी स्टेम इन वुडी प्लांट्स दैट डेवलप्ड फ्रॉम परमानेंट टिश्यूज इन द रीजन ऑफ एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस कॉर्टेक्स एंड इवन इन आउटर लेयर्स ऑफ फ्लोएम। इट इज आल्सो नोन एज अ फ्लोजेन दैट फॉर्म्स अ लेयर ऑफ सेल्स दैट प्रोड्यूस्ड अ सेकेंडरी प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्टेम कॉल्ड इज पेरिडर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोएंजाइम्स एंड प्रोथेस्टिक ग्रुप्स ऑफ एंजाइम इज नॉट ट्रू। एंड फ्रेंड्स इसका आंसर आप सभी को देना है, इसका आंसर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा और साथ में आप कमेंट्स में इसका आंसर बताएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस विच इज नॉट एन ओपिएट नारकोटिक। ऑप्शन नंबर ए एम्फेटामिन, मॉर्फिन, सी हीरोइन एंड डी इथिडीन। करेक्ट आंसर नंबर ए एम्फेटामिन इज अ स्टिमुलेंट। इट इज अ पोटेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट दैट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अटेंशन डेफिशिएट डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लोरोप्लास्ट ऑफ चेल्माइडोमोनास इज। ऑप्शन नंबर ए कोलर सेप्ड, बी स्पायरल, सी कप सेप्ड एंड डी स्टेलेट। एंड करेक्ट आंसर नंबर सी कप सेप्ड। शेप एंड नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन अ डिफरेंट मेंबर ऑफ एल्जे इज डिफरेंट। क्लेमाइडोमोनास कप सेप्ड वन ऑब्लिक सेल जाइग्नेमा, स्टेलेट टू ऑब्लिक सेल स्पायरोगायरा, स्पायरल वन ऑब्लिक सेल यूलोथ्रिक्स, कॉलर सेप्ड वन अपॉन सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन वायरल इन्फेक्शन इज यूजुअली अब्सेंट इन। ऑप्शन नंबर ए फ्लोएम सेल्स, बी जाइलम सेल्स, सी विथ सेल्स एंड डी एपिकल मेरी स्टेम। एंड करेक्ट आंसर नंबर डी एपिकल मेरी स्टेम। द एपिकल मेरिस्टेम आर प्रेजेंट इन द एपिक्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी शूट्स एंड रूट्स ऑफ द प्लांट। द सेल्स ऑफ एपिकल मेरिस्टेम आर इन एन एक्टिव स्टेज ऑफ डिविजन, हैव डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेल वॉल एंड रिमेन वायरस फ्री। ड्यू टू दिस रीजन मेरिस्टेमेटिक कल्चर इज कैरिड आउट टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट। टू फ्रेंड्स आर ईटिंग टुगेदर ऑन अ डाइनिंग टेबल। वन ऑफ देम सडनली स्टार्ट कफिंग व्हाइल स्वॉलिंग सम फूड्स। दिस कफिंग वुड हैव बीन ड्यू टू इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ। ऑप्शन नंबर एपिग्लोटाइटिस, बी डायफ्राम, सी नेक, डी टंग। एंड करेक्ट आंसर एपिग्लोटिस। द कफिंग वुड हैव बीन ड्यू टू इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ एपिग्लोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ऑप्शन नंबर ए ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, बी फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज, सी
कन्वर्जेंस ऑफ ग्लूकोज इनटू फ्रुक्टोज एंड डी डिहाइड्रोजनेशन ऑफ ग्लूकोज। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज। द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज द कन्वर्जेंस ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट यूटिलाइजिंग एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी अप्लाइड टू बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। ऑप्शन नंबर ए एंटोमोनोलॉजी, बी जूलॉजी, सी बैक्टेरियोलॉजी एंड डी टैक्सोनॉमी। करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, आंसर नंबर डी टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट इज अप्लाइड टू बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इनटू वेरियस ग्रुप्स इज कॉल्ड प्लांट टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक बॉटनी। सिमिलरली दैट क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड एनिमल टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक जूलॉजी। एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स एंड बैक्टेरियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बैक्टेरिया। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स रेफर टू ऑप्शन नंबर ए परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉपुलेंट। ऑप्शन नंबर बी ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। सी सबस्टेंट दैट डिप्लेट द ओजोन लेयर्स एंड डी बायोसेफ्टी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। एंड करेक्ट आंसर नंबर सी सबस्टेंट्स दैट डिप्लेट द ओजोन लेयर। दो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑफ सबस्टेंट्स दैट डिप्लेट्स द ओजोन लेयर वॉज साइंड इन मॉन्ट्रियल कैनेडा बाय ओवर 150 कंट्रीज एट ए कन्वेंशन इन 1987 टू कट द यूज ऑफ CFS क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। द एम ऑफ द प्रोटोकॉल वॉज टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर इन द स्ट्रेप्टोस्फियर बाय डिक्रीजिंग एंड इवेंचुअली एलिमिनेटिंग द यूज ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सबस्टेंस लाइक CFS क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इट इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल ट्रीटीज इन द मॉडर्न हिस्ट्री। DNA और RNA सेगमेंट्स टैग्ड विथ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए वेक्टर, बी प्रोब, सी क्लोन एंड डी प्लाज्मिड। करेक्ट आंसर इज बी प्रोब। DNA और RNA सेगमेंट्स टैग्ड विथ अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड अ प्रोब। दे आर यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इन न्यूक्लिक एसिड सैंपल्स। दिस इज माई लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। जय हिंद।